सिंधे साहब ने सबको लाड़की बहन की योजना, उससे बहुत सबको फायदा मिला है। सब औरतें बहुत खुश हैं, उन्होंने सबको अपनी लाड़की बहन बनाया है। और कांग्रेस वाले ने कोई वादा पूरा नहीं किया, बोले खटाखट पैसा आएगा, वो भी नहीं आया। तेलंगाना में वादा किए, कर्नाटक में वादा किए, कुछ नहीं किए उन्होंने। कभी नहीं, राहुल गांधी को कभी नहीं वोट देंगे। मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत उनका आभारी है कि हम लोग के औरतों के लिए सोच रहे हैं। वो पहली बार ही मिला है सिंधे और मोदी सरकार की युति में। हमको यही सरकार चाहिए और दिवाली का बोनस भी मिल जाएगा हमको। हाँ, कितने रुपए आए इस बार खाते में? 7,500 आए और आने वाले हैं। हमको यही सरकार चाहिए। सिंधे साहब भी हमारा मेहमान ही है और मोदी सरकार भी हमारा महिला को अधिकार दिए लाए। बहुत फायदा, और अपने मर्जी से उनको खुशी की हमारा पैसा है, उसको लोगों को किसी को हिसाब नहीं देना। अभी घर में पैसा मिलता है तो लोगों को हिसाब देना पड़ता है। ये पैसे से बहुत खुश है, लोग अपना खर्चा खुद कर रही हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र में मौजूद हैं हम और यहाँ पर बीजेपी ने लाड़की बहना योजना चलाई है और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पहले गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने ये कॉन्सेप्ट लाड़की बहना का लाए थे और उसके बाद किस तरीके से मध्य प्रदेश में इसको अपनाया गया, छत्तीसगढ़ में अपनाया गया और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में इसको अपनाया गया है बीजेपी पार्टी द्वारा। और अब जिस तरीके से इस लाड़की बहना की वजह से पूरे महिलाओं का एक तरीके से रुख बीजेपी की तरफ मुड़ चुका है, महायुति सरकार की तरफ मुड़ चुका है, तो इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनकी जिस तरीके से जहां जहां उन्होंने अपने ये महिलाओं से वादे किए थे, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी ये योजनाएं बंद कर दी हैं। जैसे हिमाचल में देखिए कुछ महीने चली, उसके बाद उन कंगाल होने की वजह से इस योजना को बंद कर दिया गया। तो आज हम महाराष्ट्र की महिलाओं से पूछेंगे कि जो ये लाड़की बहना योजना 1500 रुपये वाली निकाली गई है, क्या इनसे उनको फ़ायदा हो रहा है, और जो कांग्रेस वादे करती थी बाकी राज्यों में उन पर भरोसा है या आपको महायुति सरकार पर भरोसा है? हम क्या आपका? मालती वर्मा। अब ये बताइए जिस तरीके से यहाँ पर महायुति की जो सरकार चली वो आपको लाड़की बहना जो योजना दे रही है, कितना फायदा हो रहा है आपको? बहुत फायदा हो रहा है, सबके खाते में 7,500 रुपये आ रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे औरतों के लिए, अभी भी आगे करने वाले हैं। और मोदी जी ने हमें आवास योजना का वो दिया और ये फ्री राशन दिया, जब से कितने दिन से फ्री राशन मिल रहा है। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उनकी जो ने उन्होंने वादा किया सब उन्होंने पूरा किया है। और कांग्रेस वाले ने कोई वादा पूरा नहीं किया, बोले खटाखट पैसा आएगा, वो भी नहीं आया। तेलंगाना में वादा किए, कर्नाटक में वादा किए, कुछ नहीं किए उन्होंने। और जो ये सिंधे साहब ने सबको लाड़की बहन की योजना, उससे बहुत सबको फायदा मिला है। सब औरतें बहुत खुश हैं, उन्होंने सबको अपनी लाड़की बहन बनाया है और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो जो ये 7,500 रुपये इस बार दिवाली से पहले आए हैं महिलाओं के लिए, इससे कितना फायदा हो रहा महिलाओं को? बहुत फायदा, और अपने मर्जी से उनको खुशी की हमारा पैसा है, उसको लोगों को किसी को हिसाब नहीं देना। अभी घर में पैसा मिलता है तो लोगों को हिसाब देना पड़ता है। ये पैसे से बहुत खुश है, लोग अपना खर्चा खुद कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पैसा है। आपने सुना होगा जो ये विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस के कई नेताओं ने और उद्धव ठाकरे के गुट ने ये कहा है कि ये योजना बेकार है, इसको हम आने वाले समय अगर हमारी सरकार आई तो इसको बंद कर देंगे। नहीं, तब ये गलत हो, वो नहीं बंद होने देंगे। हाँ, उनकी योजना बहुत अच्छी है, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं में एक जोश आया कि हम अपना पैसा खुद, हमारे पास पैसा है, उसको अपना पैसा लोग समझ रही हैं, खर्चा कर रही हैं। हाँ। आज तक आपने देखा होगा कभी किसी पार्टी ने आपको ऐसे पैसे दिए जिस तरीके से महिलाओं की सशक्तिकरण करने के लिए? नहीं दिए हैं, नहीं दिए, हमारे सिंधे साहब ने दिए हैं। हमारे मोदी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। आपका नाम क्या है? खुशी वर्मा। ये बताइए जो ये लाड़की बहना मिल रही है कि इससे कितना फायदा हो रहा महिलाओं? इससे ये फायदा हो रहा है कि किसी भी औरत अपना कि वो किसी को कुछ हिसाब नहीं दे सकती है, कि वो सिर्फ वो उनका पैसा है, वो किसी को कुछ बोल रही नहीं है, वो उनका पैसा है, वो अपनी मर्जी से यूज़ कर रही है। ऐसे रहता है कि औरत लोग को अगर कोई घर पे पैसा देते हैं तो उससे हिसाब मांगते, और वो औरत अपना पैसा समझ के उसको यूज़ कर, उनको जो ख़रीदना है वो ख़रीद रही है, जिस चीज़ में लगाना है वो लगा सकती हैं। ये सब औरतें उस पैसों का यूज़ कर रही है लाड़की बहन का। योजना निकाली गई है महायुति की सरकार एकनाथ शिंदे जी मोदी जी द्वारा, कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे को नहीं आता है, मेरी मम्मी को आता है, मेरी नानी को आता है, लाइक हम लोग के एरिया में सबको आता है। किसी के घर में कुछ नहीं था, वो आ गया, किसका घर छोटा था वो लोग ने थोड़ा बड़ा घर ले लिए, लाइक ऐसा ऐसा हुआ है हमारे एरिया में भी। तमाम जो आपकी तरह लड़कियाँ होंगी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगी, उनसे क्या अपील करेंगे आप इस बार लोकसभा के चुनाव के लिए? मैं अपील करूंगी कि अगर जो सरकारी नौकरी की अपील कर तैयारी कर रही है वो वोट दें सरकार को, कि उन्हें उन्हें भी और अच्छा आगे मिलेगा।
आगे क्या पता लाड़की बहन योजना में और ज़्यादा फायदा हो, और ज़्यादा वो हो, तो लाड़की बहन योजना और आगे चलेगी और लड़कियों को भी बहुत फायदा होगा। अभी जो बच्ची हैं वो भी धीरे धीरे बड़ी होंगी, उनको भी मिलेगा आगे चल के। एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस साहब ने जो ये योजना निकाली उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहूँ, वो बहुत अच्छे, उन्होंने ये योजना निकाली, इससे महिला खुद वो पैसे जो एकनाथ शिंदे साहब दे रहे, वो जो पैसे वो दे रहे उनको महिलाएं अपना पैसा समझ रही है, वो उनको कुछ दे रही नहीं है। लाइक वो चाहती है कि वो उन्हीं का पैसा रहे, वो किसी को यूजेस करने के लिए ना दे, वो अपने पास। कितनी प्रॉब्लम आती थी घर में पैसे मांगने में पतियों से? बहुत प्रॉब्लम आती थी उनसे, बहुत औरतें झूठ बोलना पड़ता था, ये है कि वो हमारा इतना खर्चा है। अब उनको किसी से झूठ नहीं बोलना, खुद का पैसा उनको मिल रहा है, औरतें बहुत खुश हैं, वो चाहते कि योजना हमेशा चलती रहे। और आगे उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत योजना निकाली है औरतों के लिए, तब से महिलाओं का सम्मान बढ़ गया है जब से ये लाड़की बहन योजना निकली है। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 4-5 महीने पहले, तब आप लोगों से वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने कि खटाखटम 8,500 रुपये में दिया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ वादा ही, वो लोग सिर्फ वादा ही करते हैं, कभी पूरा नहीं करते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार जो उन्होंने बोला वो करके दिया। हाँ, बाकी महिलाएं जिनको लाड़की बहना योजना मिल रही होगी या जिनको मिलने वाली होगी अब आने वाले समय में, उनसे क्या अपील करेंगे आप? वो सब खुश हैं, उनको अपील है उनको मिलेगा, सब यही सोच रही हमको मिलेगा, नहीं जिसको नहीं मिला अभी वो है कि हमको मिलेगा और उनको मिलेगा। हाँ, नाम क्या आपका? चित्रा मिस्त्री। ये बताइए जो ये लाड़की बहना योजना निकाली है महायुति सरकार ने, बीजेपी शिंदे साहब ने, कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब लोगों को मिल रहा है उसका फायदा, और कितने लोगों को जरूरत है, गरीब लोगों को, उनको उसका फायदा बोल रहा है। दिवाली के टाइम पे उनको हाथ में पैसा आया है। तो इतने 70 साल से कांग्रेस थी पूरे देश भर में, उन्होंने दिया कभी ऐसी महिलाओं को? कभी नहीं मिला, वादा तो किया था। हाँ हाँ, वादा किया था, पर पहली बार ही मिला है शिंदे और मोदी सरकार की युति में। तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको ये लाड़की बहना योजना दी है? उनके हम लोग का बहुत आभारी है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को बढ़ावा दिया है, बचत गट में उन लोगों को पैसा दे के आगे उन लोगों को काम धंधा दिया है। कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार भाऊ की हो और उद्धव ठाकरे हो, ये तो कह रहे हैं ये योजना बेकार है, इसको बंद हो जाने। नहीं नहीं नहीं, अच्छा प्रतिसाद दिया है उन्होंने, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, उनको काम धंधा दिया है, मतलब फायदा हो रहा है योजना से। फायदा हो रहा है सबको। ठीक ठीक ठीक, नाम क्या आपका? उर्मिला गौतम। तो ये बताइए कितना फायदा हो रहा है ये लाड़की बहना से? बहुत फायदा हो रहा है, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, यहाँ शहर के लिए, गांव के लिए, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो पहले कांग्रेस भी वादा करती थी कि हम खटाखट रुपये देंगे महिलाओं को, 8,500 रुपये, मिला कभी? नहीं, कभी नहीं मिला, नहीं नहीं बोलती थी लेकिन कभी मिला नहीं। तो दिया किसने आप? मोदी जी ने। हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनको? मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे, बहुत उनका आभारी है कि हम लोग के औरतों के लिए सोच रहे हैं वो। तमाम जो महाराष्ट्र की महिलाएं, उनसे क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि वोट काफी नजदीक है आपका? हम लोग, मैं चाहती हूँ उन लोगों से कि उन लोगों को वोट दे तो सिर्फ मोदी जी को दे। राहुल गांधी को नहीं, सिर्फ मोदी जी को। उद्धव ठाकरे की भी तो आपके मुख्यमंत्री, तब कोई नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने? अब नहीं, कुछ नहीं किया, मोदी जी ने जितना किया उतना और किसी ने नहीं किया, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। शिंदे भाव कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो भी। ये जो लाड़की बहना योजना निकाली गई है एकनाथ शिंदे सरकार और फडणवीस साहब की, कैसी योजना है ये? बहुत अच्छा है वो, बच्चे लोग के लिए, महिला के लिए, किसको हाथ पसरने के लिए नहीं होएगा, आगे बढ़ने के लिए हमको यही सरकार है। हाँ, जिसका हमारा भला कर रहे, जिसको हमको लेके चल रहे, उसको ये हम लोग साथ देंगे, हमको यही सरकार चाहिए। और दिवाली का बोनस भी मिल जाएगा हमको। हाँ, कितने रुपए आए इस बार खाते में? 7,500 आए और आने वाले हैं, हमको यही सरकार चाहिए। विपक्षी तो कह रहे हैं इस योजना को हम बंद कर देंगे आने वाले समय। नहीं नहीं नहीं, बंद करेंगे, ये सरकार आएगा तो नहीं बंद करेगा, ऐसा ही चालू रहेगा। और 60 साल का ऐसा ही चलेगा, और मतलब ऐसा ही चलेगा। उद्धव ठाकरे भी तो आपके मुख्यमंत्री थे 2.5 साल, उन्होंने नहीं दिया कुछ? खाली सस्ता था उसका जमाने में, अभी महंगा है, मतलब महिला के लिए ज्यादा अधिकार मिल गए। तमाम जो महिलाएं आपके महाराष्ट्र की, उनसे क्या अपील करेंगे? वही आगे बढ़ने का सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही चालू रहेगा महिलाएं के लिए। जिन्होंने आपको ये योजना दी है एकनाथ शिंदे भाव और फडणवीस और मोदी जी ने, उनको क्या कहेंगे आप? उसको ही वोट देंगे हम लोग। हाँ, उसको ही जिताएंगे। राहुल गांधी को नहीं,
हम लोग उसका जिसका हमारे साथ लेके चल रहे उसको ही वोट देंगे, हम लोग बेईमान नहीं होएंगे। शिंदे साहब भी हमारा मेहमान ही है और मोदी सरकार भी हमारा महिला को अधिकार दिए ले। हाँ, कांग्रेस ने तेलंगाना कर्नाटक में सब जगह वादा किया था पर वहाँ तो नहीं किया था, वादा उसका कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, चलने को ही नहीं देगा। नहीं आने वाले हो यार? नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। यहाँ नहीं आने वाली कांग्रेस? नहीं आने वाली, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, हमारे यहाँ भी बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ मोदी सरकार। नाम क्या आपका? बाड़ा भाई गलाच काड़े। जो अभी बीजेपी की सरकार और महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है? हाँ ठीक कर रहे, ठीक कर रहे। महिला लोग को ये मिलता है, लाड़की बहन बिन मिलता है और सब लोग खुशी में है। इससे पहले किसी ने दिया था, किसी पार्टी ने, कांग्रेस ने इतने 70 साल में आप लोग? कोई किसी ने नहीं दिया, नहीं दिया था, ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी है, अभी हो गया। महिला मोदी जी से खुश हैं आप? हाँ खुश है, खुश। उन्हीं को वोट करेंगे? हो उन्हीं। राहुल गांधी? नहीं कभी नहीं, राहुल गांधी को कभी नहीं वोट देंगे, क्योंकि गांधी में क्या है, वो लोग वादा करके ऐसे छोड़ देते हैं बस, वो उनको वोट चाहिए रहता है, वोट जैसे ही उनका इलेक्शन हुआ वो वोटिंग पा गए, उनको आ गए वो, तो फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं उन्होंने क्या क्या वादा किए थे। कांग्रेस और जो महाविकास अघाड़ी उन पे भरोसा नहीं आपको? नहीं है, भरोसा है ही नहीं। वो लोग क्या करते हैं, खाली इलेक्शन से पहले आपको बड़े बड़े प्रॉमिसेस करेंगे, हम ये एरिया में ये करवाएंगे, ये एरिया में ये करवाएंगे, आपको पैसा मिलेगा, आपको मुफ्त का राशन मिलेगा, ऐसा उन्होंने वादा करते, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ वो आ गए सरकार में, वो भूल जाते उन्होंने क्या वादा किए थे, फिर वो अब ऐसे अलग अलग कर जाता है, सब सरकार भूल जाता है। अब ये लड़के बहनी है बोलता है, बाद में सब लोग और गरीब को भूल जाता है। जब तक वो लोग का सब भरता नहीं है, किस्सा घर भरता नहीं है, तब तक लाड़े साहब कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं।